आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं बेलवाई माधोपुर में, जो कि रिपोर्टिंग चौकी बेलवाई और थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हम जानना चाहेंगे कि उसके उस बच्ची को क्यों मारा गया है, उस बच्ची को किसने मारा है और उस बच्ची की स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं कि ये बच्ची जो है, बच्ची और पैर में चोट लगी है। पैर में जहाँ चोट लगी उसको आप दिखा दीजिए। यहाँ पर पैर में चोट लगी है और पीठ में भी, कंधे पर भी चोट लगी हुई है। तो बच्ची बोल पा रही कि नहीं बोल पा रही है? आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कृपा शंकर गिरी। कृपा शंकर गिरी जी, कृपा शंकर जी एक बात बताइए, आपकी बच्ची क्या लगती है? हमारी बेटी है। आपकी बेटी यहाँ पर क्या कर रही थी? अपनी नानी की सेवा करने के लिए यहाँ थी, नानी को फालिश मारा है। हम चाहेंगे कि नानी को दिखा दिया जाए। बेटा आप थोड़ा सा बगल हो जाओ। ये नानी है जिसकी सेवा करने के लिए बच्ची अपने ननिहाल में थी। माता पिता ने इनको इनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर रखा था। तो क्या हुआ था, क्या मतलब इस बच्ची को क्यों मारा गया? बच्ची को वो, इसके नानी को मतलब कल दिल्ली से आए हैं, राम अकबाल गिरी। अच्छा। और उनकी औरत क्या है बच्ची के? बड़े मामा हैं। अच्छा अच्छा। उनकी मामी रंभा देवी हैं। अच्छा। वो बुढ़ी को मतलब प्रताड़ित करने लगे, तो खाना बना रही थी। अच्छा। बोले कि नानी करने का मतलब क्या, मतलब जैसे गला दबा रहे थे। गला दबा रहे थे। हाँ हाँ। तो बोले कि नानी आप मत बोलिए, अब उनको जो बोल रहे हैं बोलने दो। कहे तुम कौन बोलने वाली होती हो, बस इसी बात पर उनको छोड़ के इसको मारने लगे। मतलब किस चीज से मारे? लाठी से मारे, कुल्हाड़ी से मारे। अच्छा। हाँ। मतलब आप देख रहे हैं कि जिस नानी की सेवा बच्ची कर रही थी, उस बच्ची को उसके मामा यानी कि जिसकी सेवा कर रही थी, उस उन्हीं के बेटे ने जो है उनका गला दबाने की कोशिश किया। मतलब इन लोगों के कथनानुसार कि गला दबाने की कोशिश किया, जिसको कि उस बच्ची ने मना किया। बच्ची का क्या नाम है? शिवांगी गिरी। शिवांगी गिरी, शिवांगी गिरी ने अपने मामा को मना किया, जिसके बदले में उनके मामा ने उनको लाठी डंडे से और कुल्हाड़ी से मारा, जिसका कि आप घाव देख सकते हैं। पैर में भी जो है चोट लगी है और ये सर में भी यहाँ पर जो है चोट लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर। और आप इस बच्ची को कहाँ लेकर के गए थे? ले गए थे मतलब अखंड नगर। तो क्या हुआ अखंड नगर में? अखंड नगर इलाज हुआ, वहाँ से रिफर कर दिए सुल्तानपुर के लिए। तो सुल्तानपुर आप क्यों नहीं लेके गए? सुल्तानपुर मतलब वहाँ विलम्ब हो गया, सुबह लेके जाएंगे मतलब। अच्छा ठीक है। अब बच्ची बोल पाती कि नहीं बोल पाती? बहुत जरा जरा से बोल पा रही है। बड़ा अपना नाम बताइए तो। नाम क्या है? शिवांगी। आपको क्यों मारा गया? नानी का गला दबा रहे थे, उनको परेशान से नानी को डॉक्टर ने मना किया था। अच्छा। तो फिर सर मत डालना, उनका दिमाग सही नहीं, इसके लिए बोल, उनको कुछ मत बोल, इसके लिए मारा गया। किस चीज से मारा गया था? कुल्हाड़ी और डंडे से। देखिए बच्ची जो है बहुत ही असहाय अवस्था में बोल रही है, कुल्हाड़ी और डंडे से मारा गया है। और इनको रिफर किया गया था सुल्तानपुर में, लेकिन टाइम न होने के कारण से इनको सुल्तानपुर नहीं ले जाया गया। आज इनके पिताजी का कहना है कि आज या कल, कब ले जाएंगे? कल सुबह जो है इनको ले जा करके इनका इलाज सुल्तानपुर में करवाएंगे, इनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगे। आप देख रहे हैं के मास न्यूज, सब ब्यूरो सुल्तानपुर, रामस्कल गौतम की रिपोर्ट। हमारे बीच में एक बच्ची मौजूद है जो कि उस घटना की चश्मदीद गवाह है। हम उससे जानना चाहेंगे कि आखिर घटना क्या हुआ था। बड़ा अपना नाम बताओ। सिंपी नाम है। सिंपी जी ये बताइए उस समय क्या हुआ था, मतलब किस अंकल बात को लेकर? वो क्या नाम, दादी को परेशान कर रहे थे बार बार। कभी क्या क्या परेशान, मतलब जैसे उनको गला वाला दबा रहे थे और मतलब गहना होना के लिए बर्तन के लिए सब लोग मतलब कर रहे थे, चोरी लगा रहे थे। अच्छा। तो मतलब दादी मतलब तब बोलने लगी, उसके बाद ये बोली जो वो एक लड़की है कहीं की मतलब मतलब परेशान तू मत बोला और क्या नाम है हम मतलब कहाँ लेके जाएंगे। अभी मतलब आशीर्वाद में भर्ती थी तो वहाँ पे 50,000 रुपया लगा था। तो मतलब फिर उसके बाद वो बड़े पापा जो है हमारे, उसके बाद फिर उनको मतलब आए, नाम है बड़े पापा का राम अकबाल। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ फिर? तो उसके बाद फिर डंडा लेके गए तो मतलब क्या नाम है, पहले कुछ बात नहीं की, मतलब लग नहीं रहा था कि मार देंगे। हाँ। उसके बाद हंस हंस के बात कर रहे थे, अचानक से ही मतलब मारने लगे उसके बाद। किसको? ये बुआ की लड़की को।
सिंपी खुशबू को? हाँ खुशबू को, शिवांगी को। तो किस चीज से मारे? वो डंडा से मारे, कुल्हाड़ी से, उसके बाद फिर यहाँ बाहर निकाल के झोटा पकड़ के फिर बाल्टी और लोटा से मारने लगे। तब फिर मतलब कोई नहीं छोड़ा रहा था, उसके बाद फिर बगल के मतलब चाचा उचा आए, वही लोग छोड़ाए। तब आप देख रहे हैं कि बच्ची को किस तरह से बेरहमी से मारा गया। और एक अच्छा, उसमें आप क्या कर रही थी जिसमें बच्ची को मार रहे थे? हम छुड़ा रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे, हमको बोल रहे थे कि हट जाओ, फिर उसके बाद हमारे हाथ पे भी लग गया था डंडा से। आप देख रहे हैं कि बच्ची के सामने ही मारा गया और बच्ची भी उस चीज को चश्मदीद गवाह के रूप में बयान कर रही कि हमारे दादी को परेशान कर रहे थे, इसके लिए जो है बुआ की लड़की ने मना किया, जिसके कारण से उसको मारा पीटा गया। और आप देख रहे हैं कि कितनी बेरहमी से मारा गया है। बयान के अनुसार भी जो चीजें निकल के आई हैं, चोट के अनुसार भी सारी चीजें सत्य प्रतीत हो रही हैं। आप देख रहे हैं के मास न्यूज।